दर्शकों नमस्कार और स्वागत है आरुण मूवी न्यूज चैनल पे। आज जो है भारत का 78वां आजादी का दिवस मना रहा है, तो उसके चलते अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है रंगारंग जो है आजादी का जश्न जो है यहाँ पे मना रहा है। और हमारे जो बैकग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं, और आपको मैं जो है फुटेज पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में दापर जो हेडक्वार्टर पे जो आजादी का जश्न जो है मंत्री न्यातो दुकुम जी के नेतृत्व में जो है यहाँ जो रंगारंग जो कार्यक्रम को जो है आप सबको मैं दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सब जो है हमारे अरुण भूमि न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। महात्मा गांधी जैसे महान लोगों ने अहिंसा के बल पर आजादी को हासिल किया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बल का भी उपयोग किया है, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने हिंद आजाद हिंद फौज को बनाकर अंग्रेजों के साथ लड़ा। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको हमें पता ही नहीं है, जिन लोगों ने आजादी के लिए अपना जान दिया है, जिन लोगों का हम नाम नहीं लेते, जिन लोगों का नाम पता नहीं है, जिन उन लोग अपना जान को कुर्बान किया है। इस तरह से हम आज आजाद देश में सांस ले रहे हैं। अगर वे लोग नहीं होते तो आज हम गुलामी में रहते, लेकिन हम कुछ किस्मत वाले हैं कि 1947 के बाद हमें आज़ादी मिली और हम आजाद देश में जी रहे हैं, रह रहे हैं। हम सब अपने आप को कुछ किस्मत समझना होगा कि हमें आज़ादी मिली, हमारे जन्म से पहले कि हम और भी आजाद देश में जन्म लिया है। तो आजादी के बारे में, आजादी के संघर्ष के बारे में आप सबको पता है, आपने किताबों में, इतिहास में और आजकल तो डिजिटल के जमाने हैं जिसमें आप लोगों को सब पता है कि हमें आजादी पाने में कितने जद्दोजहद करना पड़ा, कितने जान कुर्बान करनी पड़ी, ये आपको सबको पता है। इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए उन लोगों को के नाम से फिर एक बार शीश झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आप लोगों के तरफ से। थैंक यू। हमारे जो अपर सुबनसिरी दापोरिजो के जितने भी तमाम लोग यहाँ जो आए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत चंद शब्दों में अपना बात रखने का कोशिश करूंगा। धूप भी बहुत कड़क है और हमारे बच्चे भी धूप में कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरा जो स्पीच है वो कम हो। अभी हाल ही में पेमा खांडू साहब ने मुझे उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट किया और मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, और इसी इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। हमने 6 नया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो पढ़ लिख कर अनस्किल बैठे हुए हैं, उन लोगों को स्किल बनाने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूशन को खोल रखा है। और 10 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, वहाँ भी आपको स्किल बनाने का जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, उसका भी हमारे यूथ को मैं अपील करता हूँ, आप इसका भरपूर फायदा होता है और खुद आप एक एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉयर बने, दूसरों को नौकरी दे, दूसरों को एम्प्लॉय दे, ऐसा आपको सक्षम करने के लिए ये इंस्टीट्यूट सारे जो बनाए रखते हैं इसका भरपूर फायदा होता है। और ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और जो कौशल केंद्र है, इससे 46,000 यूथ को हम सक्षम बनाएंगे, आपको एम्पावर करेंगे, आपको स्किल बनाएंगे, आप समाज में इज्जत से आप कमा के खा सकते हैं, ऐसा कौशल आपको हम बनाएंगे। आजकल क्या है कि कभी कभी देख के दुख लगता है, जब से मोदी जी ने हम लोगों को
चावल देना शुरू किया, हमारे लोग खेती बाड़ी छोड़ दिया। मैं आप लोगों का अपील करता हूँ, सरकार के पास कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है, आप अपना खेती जारी रखिए, आप खुद को इतना सेल्फ रिलायंट बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं कि दूसरों से खरीदना ना पड़े, आसान से हमको सामान ना लाना पड़े, खुद ही अपना पैदावार करें, इसीलिए हम एग्रीकल्चर से पे जाता हूँ। अभी एग्री में हमने आत्मनिर्भर कृषि योजना हमने लागू किया है, चालू किया है पिछले 2 साल पहले से। उसके बाद आत्मनिर्भर बागवानी भी हमने शुरू किया है और मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम है जिसपे आपका ध्यान हम सरकार आकर्षित करना चाहेंगे। इसलिए मैं अपर सुबनसिरी के जितना जनता है, जो लोग अपना खेती बाड़ी छोड़ कर बैठे हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप अपने खेती बाड़ी पे वापस आइए, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दीजिए, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए, खुद सेल्फ रिलायंट होने की पूरी कोशिश कीजिए। इस दापोरिजो को बनाने में जिन लोगों का हाथ है, कुछ लोग हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो आदमी हमारे बीच है, उन कुछ लोगों का नाम मैं आज इन तमाम जो दापोरिजो की जनता है आप लोगों के बीच लेना चाहूँगा। दापोरिजो अब का जो आज का जो नक्शा है वो हमने नहीं बनाया, उन लोगों ने बनाया जो आज हमारे बीच नहीं है या तो आज बड़े बूढ़े होकर घर में बैठे हैं, उन लोगों का बनाया हुआ दापोरिजो है जिसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हम जब दापोरिजो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से तक्षिण से मैं शुरू करना चाहूँगा, वहाँ से तक्षिण सियुम कनिग्रामा कसुगारम टोके मारा पगा माइन कमिंग पोदा कुमन देवी मरन कुमार कुनम पगी कचू हिना चक्कर सिद्धिया तकवी जीबू रीतु दूलम दूजी लोगा मार्दर बिन्या रुकु बीजे मारो दोजे। ये सारे लोग थे जो पायनियर्स थे, दापोरिजो को बनाने में इन लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों ने पसीना बहाया। आज जिस दापोरिजो में हम इंजॉय कर रहे हैं वो उन लोगों का देन है। आज के दिन जो हमारे लिए आज़ादी का जश्न है, इस जश्न में हम उन लोगों को भूल नहीं जाना चाहिए, उन लोगों ने बनाया। और जिसको जो कैप्टनशिप किया है दापोरिजो को बनाने में, जो कैप्टनशिप किया है पायनियर्स के अलावा भी, उन लोगों में से है ले तदक दूलम जी, लेक तलामुगली फुंजी मारा तकर मर्दे तकर जोनी तना ब्यालंग लर्विन नासी तरा पाइन लगलो नीदा कपिन फिजिया। ये लोग वो महान शख्स हैं जो हमारे दापोरिजो में जन्म लिया है और हमें बहुत कुछ दिया है। आज के दिन उन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। अगर उन लोग नहीं होते तो आज भी हम ये जो दिन देख रहा है, जो उजाले पर उजाला देख रहा है वो नहीं देख पाता। उसके अलावा दापोरिजो में व्यवसाय को बिजनेस को जिन लोगों ने शुरू किया, कहाँ से आया, कहाँ सियाम डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ नहीं अब अपना अपर सुबनसिरी से, कई लोगों ने जब लोगों को पता ही नहीं था कि बिजनेस क्या होता है, उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, हमें सिखाया। वो लोग कुछ लोग हैं आज हमारे बीच, कुछ लोग हैं जो हमारे बीच नहीं है, और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे बिहार से, यूपी से, बंगाल से, कई जगहों से, राज्यों से, हिंदुस्तान के कई राज्यों से हमारे यहाँ आकर हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और दापोरिजो का एक बहुत बड़ा उपलब्धि क्या है, वो है हम 3 जनजाति के लोग, तागिन गालो और ये निशी, आलम की अभी डिस्ट्रिक्ट अलग हो चुका है, कमले डिस्ट्रिक्ट के लोग, हम लोग शुरू से ही भाईचारे के साथ जिया है, मिलजुल के रहा है, हमने कोएग्जिस्टेंस का राह पकड़ कर हम साथ चले हैं। अभी जिस तरह से
भारत का तिरंगा है, तीन रंगों से बना है, ठीक उसी तरह से निशी काजी और डालो हमेशा से साथ रहा है, आगे भी हम साथ रहेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। इसको बनाए रखने में काजी भाइयों को, डालो भाइयों को और हमारे निशी के भाइयों भाई बहनों को मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हमें एक साथ जीने को सिखाया है उसी तरह हम आगे भी साथ जिएंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ आप सभी लोगों से।